स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें आपको एक तरफ बालमुकुंद आचार्य दिखाई दे रहे हैं जो बीजेपी के एमएलए है और दूसरी तरफ अंशुल दादिच आपको दिखाई दे रहा है जो एक मुसलमान जो कि गरीब सब्जी बेचने वाला है जो उसकी बस्ती में जाता है सब्जी बेचने के लिए, लेकिन उसको पकड़कर उसको बांग्लादेशी बोलता है, उसको मुल्ला बोलता है और उसके बाद उसको गाली गलौज करता है और उसके बाद उसे थप्पड़ घूंसे लगाता है। लेकिन अब इसका कुछ तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप पहले इन तस्वीरों को देखिए जिसमें आपको बालमुकुंद आचार्य के साथ अंशुल दादिच भी दिखाई दे रहा है जो ये सब कुछ कर रहा था। एक गरीब सब्जी बेचने वाला जो उसकी बस्ती में जाकर सब्जी बेच रहा था उसके साथ ये सब कुछ वो करता है। उसके बाद होता ये है कि ये जो सब्जी बेचने वाला है वो अपने घर जाता है और इसके ऊपर एफआईआर करता है जिसके बाद तुरंत इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद ये गिड़गिड़ाते हुए क्या कुछ कह रहा था आपने इस वीडियो में देखा है, और आपने नहीं देखा तो पहले आप इसे सुनिए। मेरा पकड़ा ये चाटा मारा कि मुल्ला है, मैंने हाँ मुल्ला हूँ, तो ये बोले कि बांग्लादेश है, तो मैंने बांग्लादेश नहीं मैं हिंदुस्तानी हूँ। हूँ मेरे नींद की समस्या चल रही है, मैंने निर्दोष व्यक्ति के साथ झगड़ा किया है, भविष्य में नहीं करूंगा, इसका मुझे पश्चाताप है। तो ये अंशुल दादिच है जिसका कई तस्वीर बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया। अब इसको लेकर पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने क्या कुछ लिखा है वो आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। जयपुर में दो दिन पहले भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने ई मित्र दानिश के दुकान पर ढाबा बोल दिया और आरोप लगाया कि यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पुलिस ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। बालमुकुंद आचार्य बैराग लौट आए, इस दौरान उन्होंने दानिश को आतंकवादी तक कह दिया था, लेकिन बीजेपी कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं करेगी। और उसके बाद यहाँ पर आगे ये लिखते हैं कि जो इनके चेले हैं जिसका नाम है अंशुल दादिच जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, वो एक सब्जी बेचने वाला जो गरीब है उसको पकड़ता है, उसको बांग्लादेशी बोलकर और उसको जाति सूचक गाली देता है और उसके साथ मारपीट करता है, और पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो वो माफी मांगता है और कहता है कि मैं नींद में था। अब मैं आपको बताता हूं कि इस मामले में संजय सिंह का क्या कहना है। आपके स्क्रीन पर लिखा गया है, ये देश को बांटने वाले गुंडे हैं, सब्जी बेचने वाले पर जोर दिखाकर बहादुर बन रहे हैं। गांधी जी ने हमें अहिंसा की सीख दी, बाबा साहब ने देश को संविधान दिया, बीजेपी ने गुंडों को हिंसा की छूट देकर देश को सिर्फ नफरत दिया। उसके बाद आप ये तस्वीर देख सकते हैं, आपको कई तस्वीर जो कि बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के साथ आपको दिखाई देगा जिसमें ये तस्वीर खिंचा रहा है। और जिस वक्त ये वीडियो वायरल हुआ जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो आप इसकी हालत देखिए, इसके हालत पे लोग लिख रहे हैं कि अगर सब्जी बेचने वाले ने एक रपाट लगा दिया होता तो इसकी नींद की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती और ये कई दिनों तक नींद से उठ नहीं पाता क्योंकि अपने इलाके में कुत्ते भी शेर बनते हैं। ये सब कुछ लिखा जा रहा है इसकी हालत देखकर, लेकिन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस खबर के बारे में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।